लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी के बढ़े जलस्तर में कई गांव डूब गए। भारी जलस्तर को देखते हुए ग्रामीण घबराकर अपने घर से सामान को लेकर भाग निकले। वहीं जिला प्रशासन की टीम के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया, जिसके दौरान प्रशासन ने राहत के नाम पर जिले में डेढ़ गुना नाव चलाने का दावा भी किया। मामला बिहार के कटिहार का है। मामले में नाविक का कहना है कि प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों से 25 से 30 रुपए वसूली की जा रही है। मामले पर डीएम ने स्थानीय सीओ से नाव की लॉग बुक का डिमांड किया। डीएम ने कहा कि हमारे दिखावे के लिए नाव को दुल्हन की तरह सजाकर अन्य को नाविक बना दिया गया। वहीं इस मामले में बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि इस भयानक बाढ़ के कारण हमारे आशियाने डूब गए हैं, हमारे आश्रय के लिए अब सड़क ही रह गई है। बता दें कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में 641 नाव है। पिछली बार से नाव की संख्या डेढ़ गुना बढ़ी है। अभी जो नाव की लिस्ट हमने कदवा प्रखंड में देखी है वह 45 नाव की है। बाढ़ भी अभी ऐसी नहीं है कि जो महानंदा की आती है। हम लोगों का अंदाजा है कि एक दो दिनों में स्टडी हो जाएगी। कटिहार से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। टोटल डिस्ट्रिक्ट में 641 नाव है। पिछली बार से डेढ़ गुना नाव की संख्या बढ़ी है और अभी एज ऑफ नाउ जो हम लोगों ने लिस्ट देखी है 45 नाव यहाँ कदवा में प्रारंभ हो गई। अभी बाढ़ कोई ऐसी बाढ़ अभी नहीं है जैसी कि यहाँ महानंदा की आती है, तो हम लोगों का अंदाज है कि एक दो दिन में ये स्टडी हो जाएगा। कल 24 घंटे में इसका फॉलिंग ट्रेंड रहा है। इसके बाद हो सकता है कि पुनः जैसा नॉर्मल होता है तब आएगी, तो उसके लिए भी हम लोगों को अलर्ट रहना होगा। पानी घुस गया, हम लोगों को रहने का व्यवस्था नहीं है और जो है हम लोग बाल बच्चा लेकर के रोड में आके बैठ बसे हैं, पिंडाल बन करके टेंट बन के। पानी रात में ही घुसा है, कल सुबह कम पानी था, आज ज़्यादा हो गया पानी। घर में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, घर द्वार सब भांस रहा है, पानी पूरा भर रहा है और हम लोग रोड के किनारे में आके बस गए हैं और किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा पानी भर रहा है, बहुत भर रहा है और हम लोग जितना सामान है घर का खाली कर दिए हैं। उसके बाद रोड पर हम लोग हैं और टेंट उंट गार के वहीं हैं, जब तक पानी खत्म नहीं होगा तो हम लोग। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।